और धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूत, ये पांच दिन इधर के और पांच दिन देव दीपावली, हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री, एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, और एक बेलपत्री, एक कमलगट्ट, भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास किया, परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्ट, ये पांच दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और पांच दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा उस समय पर, अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्ट भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये पांच दिन इधर के, पांच दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, तेरी जेब और तेरा घर भरा ही है, खाली नहीं रह सकते। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर, एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल, और एक जम के बोलो कमल, एक कमल, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित, बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में, और दिल से बाबा से पांच दिन, ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दो, और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में, क्या पांच दिन इधर के, पांच दिन उधर, बड़े प्रेम से बाबा की।